नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में चारों तरफ जहां सख्ती से कानून के लागू करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही लोग देश का बंटाधार करने में तुले हैं। सरकारी महकमे में काम करने वाले अधिकारी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब इनकी पोल खुलती है तो उसके बाद क्या होता है, वो आज आप इस खबर से बखूबी समझ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से सामने आई है, जिसमें नगर निगम के अकाउंट अफसर संतोष शर्मा के तीन ठिकानों पर बुधवार यानी कि 21 जुलाई 2021 की सुबह लोकायुक्त ने एक साथ छापा मारा। इस कार्रवाई में मुरैना के बसंत विहार बंगले से 8 लाख रुपए कैश, बड़ी पॉलिथीन में भरकर सोने चांदी के जेवर मिले हैं। वहीं बंगले की कीमत ही लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घर से 3 कार और 3 बाइक के साथ साथ कई प्रॉपर्टी के कागज भी टीम के हाथ लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नैनागढ़ स्थित ट्रैक्टर की एजेंसी और ग्वालियर तारागंज स्थित उसके मकान पर भी कार्रवाई की गई, जो अभी भी चल रही है। टीआई कवेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि छापे के दौरान संतोष के घर से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसमें 500-500 के नोटों की कड्डी मिली है। सोने चांदी के जेवर भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा 3 कार भी मिली है और मुरैना के बैंक में एक लॉकर भी मिला है, जिसे खुलवाया जा रहा है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम संतोष शर्मा से पूछताछ कर रही है और इस समय टीम के सदस्य नगर निगम कार्यालय में आ चुके हैं। यहां वो संतोष शर्मा के कागजातों की जानकारी निकालने में जुटे हैं और पूरी जानकारी निकाल रहे हैं कि आखिर इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। इस छापेमारी में बरामद हुए सामानों को देखकर तो लोकायुक्त के अधिकारी भी दंग रह गए थे। आइए अब आपको बताते हैं कि इस कार्रवाई में लोकायुक्त की टीम के हाथों क्या कुछ लगा। घटनास्थल से 8 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसमें 500-500 की गड्डियों को संभाल कर रखा गया था और ये सारा पैसा अकाउंटेंट संतोष कुमार के बसंत बिहार स्थित मकान से मिला है। वहीं भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर भी मिले हैं, हालांकि जेवर कितना है इसका भी लोकायुक्त स्पष्ट नहीं कर पाई है। एक साधारण से अकाउंटेंट के पास बसंत बिहार में 2 मंजिला मकान है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नैनागढ़ रोड पर लड़के के नाम से न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की एजेंसी भी है और साथ ही तारागंज ग्वालियर में एक मकान और है। 3 कार हैं, जिनमें केओस एल्टो, मारुति कियाज और मारुति रिट्ज भी शामिल है। इसके साथ ही कई जमीन व प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं और इन कागजातों की जानकारी खंगाली जा रही है और पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा लेने की तैयारी की जा रही है, ताकि सही आंकड़े पता लग सके। मिली जानकारी के मुताबिक संतोष शर्मा मुरैना के लेखाधिकारी के पद पर पिछले 10 सालों से जमे हुए थे। इससे पहले वो कैलारस में सीएमओ के पद पर पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि ऊंची राजनीतिक पहुंच के कारण अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी के दम पर अभी तक वो धड़ल्ले से अपने पद का फायदा उठाते हुए अपनी जेबें गर्म कर रहे थे। अब ऐसे में देखना होगा कि भ्रष्टाचारियों से और लापरवाह अधिकारियों को सख्त सजा देने का दावा करने वाले शिवराज सिंह चौहान इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, और यह भी देखना होगा कि अकाउंटेंट के पॉलिटिकल कनेक्शन कहां कहां तक जुड़े हुए हैं और कौन कौन इसमें शामिल है और कौन कौन इसमें फंसता है। फिलहाल खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।